सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, अगर आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए आवेदन किया है तो आप सभी के लिए इसी बीच यहां पे एक अपडेट निकल के आ रही है। एग्जाम डेट को लेकर एक अपडेट है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि रेलवे में 2024 में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल के आई। अगर बात की जाए यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर ALP की वैकेंसी आई, उसके बाद यहाँ पर टेक्नीशियन की भर्ती आई, फिर यहाँ पर आरपीएफ की भर्ती निकल के आई। इसी बीच अगर बात की जाए, जब भी एग्जाम शुरू होता है रेलवे में, तो एक के साथ एक के बाद एक, एक के बाद एक करके यहाँ पर सारे एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं बारी बारी करके। तो यहां पर अगर बात की जाए तो एक एग्जाम डेट यहां पर निकल के आ चुका है, जो कि बच्चों के पास मैसेज जा रहे हैं। आप भी फटाफट अपना मोबाइल एक बार उठाकर चेक करें, टेस्ट मैसेज में आप सबको एक मैसेज रिसीव हुआ होगा रेलवे की तरफ से, जिसमें आपका एग्जाम डेट लिखा होगा। वो मैं आपको मैसेज भी दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। तो वीडियो आप सभी शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। आपको भी अपना चेक करना है कि आपके क्या मोबाइल फोन पर मैसेज आए हैं या फिर नहीं आए हैं। चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सारी जानकारी मैं आपको देता हूं, लेकिन इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे की जानकारी भी हमेशा आपको मिलती रहेगी। तो देखिए, अगर आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं भर्ती 2024 की, तो अगर आप 100% सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप सभी यहां पे जीके जीएस एंड रीजनिंग और मैथ के इन क्वेश्चन को लेकर पढ़ लीजिएगा। आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को 4000 प्लस प्रश्नों का संग्रह दिया जाएगा, जिसमें प्रश्न और उत्तर आपको दोनों मिल जाएंगे। और ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है सिर्फ 89 रुपीज़ में, सिर्फ 89 रुपये में आप सभी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के लिए स्टडी मटेरियल पा सकते हो, जिसमें आप सभी को नोट्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही आप सबको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, जो कि आगे आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके क्वेश्चन इसमें से मिलने वाले हैं। ठीक है, यहां पर आप सभी को QR कोड दिख रहा होगा, आप सभी स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं और पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। यह एक व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर आप सभी को पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। टीम आपसे संपर्क करके आपको पीडीएफ यहां पर प्रोवाइड करा देगी। सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, आपको काफी सारे मार्केट में पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप सबको उन्हीं पीडीएफ को लेकर पढ़ना है जिससे कि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन देखने को मिले। तो आप फटाफट लेकर पढ़िए, क्योंकि आरपीएफ कांस्टेबल एसआई के काफी सारे बच्चों ने इस पीडीएफ को लेकर पढ़ा है। अब की बार आपकी बारी है। तो आप सभी अभी अपने सामने देख सकते हैं कि एक बच्चे के पास यहाँ पर 9 सितंबर 2024 को ये टेस्ट मैसेज आया हुआ था। इसमें लिखा गया था डियर कैंडिडेट RRB, ठीक है, RRB का बच्चा कैंडिडेट है, जो कि 2024 वाली भर्ती में फॉर्म अप्लाई किया था, वो भी ALP में फॉर्म को अप्लाई किया था। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया एग्जाम इज शेड्यूल फ्रॉम 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक। मतलब अगर बात की जाए 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर तक ALP का टीयर फर्स्ट एग्जाम होने वाला है। ठीक है, उसके साथ में यहाँ पे बताया गया है योर एग्जाम सिटी, मतलब कि आप सभी का जो एग्जाम सिटी रहेगा वो आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपको पता चलेगा। ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे अगर बात की जाए तो RPF कांस्टेबल एसआई के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो मैं उन सभी बच्चों को यहाँ पे सचेत कर देना चाहता हूँ, जब अक्टूबर के महीने में ALP टीयर फर्स्ट एग्जाम हो रहा है तो RPF कांस्टेबल एग्जाम का डिले नहीं होगा। ठीक है, उसमें रीजन क्या है, जब भी RRB यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जैसे ही इसका एग्जाम यहां पर 14 तारीख खत्म होगा, वैसे ही यहां पर दूसरा कोई एग्जाम शुरू हो जाएगा। और दूसरा कोई कौन सा है, RPF कांस्टेबल एसआई का एग्जाम है। यह एग्जाम आप सभी का बहुत ही फास्ट यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। आप सभी यहां पर अगर बात की जाए तो 14 अक्टूबर तक एग्जाम होंगे, और हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक आप सभी के टेक्निकल का एग्जाम भी यहां पर कंडक्ट करवा लिया जाए। तो अगर देखा जाए तो नवंबर का महीना आप सबके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नवंबर के महीने में रेलवे में RPF कांस्टेबल एसआई का जो यहां पर 4660 वैकेंसी निकल के आई हुई थी, इस वैकेंसी का जो एग्जाम है वो नवंबर के महीने में होने के पूरे पूरे चांसेस बन चुके हैं। अगर प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहा तो आप सभी का एग्जाम जो है वो यहाँ पे नवंबर के महीने में कंडक्ट हो जाएगा। तो बिना देरी करते हुए आप सभी 89 की PW लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय जो है बहुत कम है। अगर आपको भी यहाँ पर सिलेक्शन चाहिए RPF कांस्टेबल एसआई में, एक सीट अगर आपको अपनी पक्की करनी है, तो आप 89 की PW लेकर जरूर पढ़िएगा। उसमें आपके सिलेबस, पूरे सिलेबस से क्वेश्चन आपके लिए गए हैं, जिसे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ अब एग्जाम यहाँ पे निकल सकता है। आप सभी उसे लेकर जरूर पढ़िएगा। और आपको अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, आपको फिजिकल में अगर जाना है, कम से कम आप सभी 85 प्लस क्वेश्चन सही करिएगा 120 में से। आपका 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी पेपर में रहने वाला है, तो आप तुक्का बिल्कुल मत लगाइएगा, नहीं तो आप सभी यहाँ पर फेल हो जाओगे। जिसमें अगर सिलेबस की बात की जाए तो 120 क्वेश्चन आएगा और 120 नंबर का रहने वाला है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। वहीं अगर बात की जाए तो 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे मैथ आने वाले हैं, 35 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पे रीजनिंग आने वाले हैं, और 50 क्वेश्चन तो आप सभी के यहाँ पे GS से आने वाले हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए GS का बहुत ही बड़ा रोल है, तो आपको 89 की PDF में GS के भरपूर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आप 89 की PDF बिना देरी करते हुए जाकर ले लीजिए, क्योंकि अगर आप सभी आज 89 और 90 रुपये लर्चना करते हैं उन PDF को लेते हैं, तो RPF कांस्टेबल SI के फाइनल लिस्ट में भी अपना नाम आप सभी पा सकते हैं। तो आप सबको मैंने बता दिया, प्रूफ भी
मैंने दिखा दिया कि ALP का देखिए यहाँ पे एग्जाम 3 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर के बीच में होने वाला है, तो इससे आप सभी ये आंकड़ा लगा सकते हैं कि RPF कांस्टेबल का एग्जाम जो है वो यहाँ पे नवंबर से डिले नहीं होगा। तो लग जाइए आप सभी तैयारी में, बाकी जो कुछ होगा मैं आप सभी को अपडेट करता रहूँगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।